आमतौर पर पुलिस का नाम सुनते ही हमारे जहन में सनसनी सी उठने लगती है, क्योंकि पुलिस ही वो हस्ती है जिसके आगे हर मुजरिम और क्रिमिनल झुकते हैं। लेकिन आजकल के लोगों ने पुलिस को उनके काम के बदले सराहने की बजाय उनके नाम से घबराना शुरू कर दिया है। और तो और, आजकल के लोग भी अपने बच्चों को पुलिस के नाम से ही डराती हैं। लेकिन देश की सुरक्षा, इज्जत और शांति बरकरार रखने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार पुलिस को इस तरह की नजरों से देखना सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आज डीप इन्फो का ये वीडियो देखकर शायद आप पुलिस को लेकर अपने नजरिए को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सारी हदें पार कर दी। नवंबर 2020 के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मिनी ट्रक उलटने के चलते उसमें बैठे लगभग 35 मजदूर जख्मी हो गए। अब जख्मी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। वहीं एम्बुलेंस के साथ ESI संतोष सेन और उनकी टीम भी पहुंची। अब अस्पताल पहुंचने के समय ESI संतोष ने देखा कि यहां घायलों को अंदर ले जाने के लिए न तो स्ट्रेचर्स थे जिसकी मदद से मरीजों को अंदर ले जाया जा सके। ऐसे में मजदूरों को दर्द से कराते देख ESI संतोष ने उन्हें खुद अपने कंधों पर उठाया और अस्पताल के अंदर तक पहुंचाया। जानकारी के लिए बता दें कि संतोष सेन को 2006 के दौरान बदमाशों से हुई एक मुठभेड़ में कंधे पर गोली भी लग चुकी है, जिसके बाद उनके एक कंधे में काफी दर्द रहता है। लेकिन संतोष ने अपने दर्द को जरा भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और निष्काम भाव से घायल लोगों की मदद करते रहे। ऐसे नेक दिल पुलिस ऑफिसर्स पर आपके क्या विचार हैं, नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नवंबर 2020 के दौरान हैदराबाद की सड़कों पर भागते हुए ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रही इस ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का नाम जी बापजी था, जो कि हैदराबाद में किसी चौराहे पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन ड्यूटी के दौरान जी बापजी की नज़र एक एम्बुलेंस पर गई जो कि ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। जी बापजी ने सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाने का प्लान बनाया, लेकिन जाम इतना ज़्यादा लंबा था कि जी बापजी के निकालने के बावजूद भी एम्बुलेंस फिर से फंस गई। ऐसे में स्नेक दिल कांस्टेबल ने एम्बुलेंस के आगे आगे भागते हुए उसे 2 किलोमीटर तक का रास्ता दिलवाया। जी बापजी का एक एम्बुलेंस के लिए सड़कों पर इस तरह से भागते हुए वीडियो जमकर वायरल हुआ और सुर्खियों में भी आया, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस के IPS ऑफिसर अंजनी कुमार ने कुछ नकदी रुपए और गिफ्ट से सम्मानित किया। जहां आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले लोगों को आम जनता से रिश्वत लेते हुए दिखा जाता है, वहीं हाल ही में जनवरी 2021 के दौरान अमलदार रजिया सैयद नामक एक महिला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को पुणे के तिलक रोड पर मोटरसाइकिल के कांच और फाइबर के टुकड़े झाड़ू लगाकर साफ करते हुए देखा गया, ताकि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को इनसे चोट ना लग जाए। रजिया सैयद का ये वीडियो देश भर में जमकर वायरल हुआ और लोगों ने उनकी खूब तारीफें की। नवंबर 2016 के दौरान विस्कॉन्सिन के मैनोमोनी शहर में ये वाकया देखने को मिला। यहाँ हुआ यूं कि मार्टिन फॉक्सिक नामक एक पुलिस ऑफिसर को सुबह 8 बजे गश्त लगाते समय एक BMW सवार लड़का स्पीड लिमिट क्रॉस करते हुए दिखाई पड़ा। ऑफिसर ने तुरंत अपनी कार लड़की के पीछे लगा दी और लड़की को रोककर स्पीड लिमिट क्रॉस करने का कारण पूछा, जिस पर लड़के ने बताया कि आज उसके एग्जाम थे और उसे टाई बांधना नहीं आता। ऐसे में वह थोड़ा जल्दी करके अपने दोस्त के पास जा रहा था ताकि वो उसे समय पर टाई बांध कर दे और वह समय रहते एग्जाम में बैठ सके। लेकिन नेक दिल पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट करने के बजाय उसकी समस्या को समझा और उसका टाइम वेस्ट करवाने के बदले खुद अपने हाथों से उसे टाई बांध कर दी। ऑफिसर ने उसे वार्निंग देकर तुरंत छोड़ दिया ताकि वो अपनी परीक्षा समय पर दे सके। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि इस होनहार स्टूडेंट ने एग्जाम देकर 92% हासिल की और ये सब उसे नेक दिल पुलिस ऑफिसर की बदौलत संभव हो पाया। अप्रैल 2019 के दौरान इटावा के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर यह वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि हाईवे पर एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ बाइक पर जा रही थी, लेकिन इसी बीच न जाने किस वजह से दंपत्ति की बाइक में आग लग गई। लेकिन खुशकिस्मती से उनके पीछे एक पुलिस वैन चल रही थी। नेक दिल पुलिस ऑफिसर ने बाइक के पास अपनी कार ली और बाइक चला रहे व्यक्ति को बाइक रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन बाइक स्पीड तेज होने के चलते उसे आवाज नहीं सुनाई दी। मगर पुलिस वालों ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग 4 किलोमीटर तक बाइक का पीछा किया और बाइक सवार को उसके बाइक में लगी आग से अवगत करवाया। पता चलते ही बाइकर ने तुरंत बाइक को रोका और अपने बीवी बच्चों को लेकर साइड में हो गया। वहीं उसके तुरंत बाद पुलिस ने भी वैन रोककर आग लगी बाइक से सामान को अलग किया और पानी गिराकर आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक ये आग शायद महिला के हाथ में मौजूद सामान और टायर की रगड़ से लगी थी, लेकिन अगर इस आग को समय रहते नहीं रोका जाता तो शायद यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
फरवरी 2018 के दौरान फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर भारी बर्फबारी के बाद जॉन पियर्सन और जेम्स ली नामक दो नेक दिल ऑफिसर्स गश्त लगा रहे थे। लेकिन गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ एक पिटबुल डॉग का पपी बर्फ में लगभग जमी हुई हालत में पड़ा हुआ कांप रहा था। पपी को शायद उसका मालिक परेशान होकर लावरेज छोड़कर चला गया था, लेकिन खुशकिस्मती से समय रहते पपी को ऑफिसर्स ने देख लिया। ऑफिसर्स ने पपी को देखते ही उसे तुरंत उठाकर अपनी कार में रख लिया और गर्म होने के बाद अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन पुलिस स्टेशन में पपी को कैरा कांट्रेल नामक एक 46 वर्षीय नर्मदिल महिला ऑफिसर मिली। कैरा से पपी का दर्द देखा नहीं गया और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। आज ये पपी कैरा के घर बड़ी ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मई 2016 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन में स्थित मिलवॉकी शहर में माइक हिल नामक एक पुलिस ऑफिसर ने देखा कि एक बतख ड्रेनेज चैम्बर के आसपास कुछ इस तरह से बिलख रही थी कि मानो उसे किसी की मदद चाहिए थी। और वास्तव में ऐसा ही था। ऑफिसर माइक ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि यहाँ उस बतख के बच्चे चैम्बर में गिर गए और वो उन्हीं को वापस पाने के लिए यहाँ इस तरह से घूम रही थी। ऐसे में नेक दिल माइक बिना देरी किए गंदे पानी के चैम्बर में उतर गए और बतख के सारे बच्चों को निकालकर उसे सौंप दिया। ठीक इसी प्रकार से मई 2019 के दौरान इंग्लैंड के ट्रूरो में वेंडी कॉर्मियर नामक एक महिला कांस्टेबल ने सीवरेज चैम्बर में गिरे 5 बतख के बच्चों को बचाया और उनकी मां से मिलवाया। यह वाकया उस समय देखने को मिला जब जून 2017 के दौरान शिकागो के लेक मिशिगन के पास एक कुत्ता पानी पीने की कोशिश में लेक में गिर गया और डूबने लगा। लेकिन तभी गिरने की आवाज़ सुनकर पास में मौजूद जुआन फेरिस नामक एक पुलिस ऑफिसर यहां पहुंच गए और बड़ी ही फुर्ती से कुत्ते को बचाकर बाहर निकाल लाए। जुलाई 2017 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बने मैकगवन पार्क के पास जोस पिंगोला और माइक स्मिथ नामक दो पुलिस ऑफिसर गश्त लगा रहे थे। लेकिन गश्त के दौरान ऑफिसर ने तालाब में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर दोनों तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा कुत्ता घास से भरे तालाब में गिरा हुआ था। कुत्ते को डूबते देख ऑफिसर जो ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और कुत्ते को जिंदा बचाकर बाहर निकाल लाए। ऑफिसर जो ने बताया कि ये नासमझ कुत्ता पानी में दूसरी बार गिरा था, लेकिन पहली बार बचाते समय वो उसका वीडियो बनाना भूल गए थे। जनवरी 2019 के दौरान अमेरिका के कैनसास में एक किटन हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ तो गई, लेकिन भारी ट्रैफिक के चलते घबरा गई। अब किटन न तो यहाँ से नीचे उतर पा रही थी और ना ही वो रोड क्रॉस करने की हिम्मत जुटा पा रही थी। सैकड़ों लोग किटन को देखकर सीधे निकल गए, लेकिन किसी ने इस किटन को यहाँ से नीचे उतारने का मन नहीं बनाया। लेकिन तभी उस पर यहाँ से गुजर रहे जेसन स्मिथ नामक एक पुलिस ऑफिसर की नज़र गई। ऑफिसर जेसन ने किटन को देखते ही उसका दुख समझा और उसे बचाने के लिए अपनी कार को तुरंत रोका। जेसन ने डिवाइडर पर फंसे किटन को न सिर्फ नीचे उतारा बल्कि जेसन ने उसे अपनी कार में बिठाकर खाली जगह पर ले जाकर छोड़ दिया ताकि वो वापस ऐसी दुविधा में न फंसे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।